आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्नात का जमात का यहाँ से गुजर हुआ, वही नाजिल फरमाई कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिन्नात को दीन की दावत दीजिएगा। हाजिर है तेरे दरबार में हम अल्लाह करम, हाजिर है तेरे दरबार में हम अल्लाह करम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दोस्त कारी साहब आजकल मक्का मुकरमा में है उम्रे के लिए, और साथ में वो कुछ वहां पे मुकद्दस ज़ियारात के व्लॉग्स बनाकर हमसे शेयर कर रहे हैं। तो आज उन्होंने हमसे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर किया है, यानी कि मस्जिद जिन का व्लॉग शेयर किया है, वो मस्जिद जिसकी तामीर सबसे पहले जिन्नात ने की थी, उस मस्जिद का व्लॉग कारी साहब ने हमसे शेयर किया है, साथ कंप्लीट हिस्ट्री भी बताई है कारी साहब ने। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर चलते हैं कारी साहब की तरफ, और साथ में तवाफ के मनाजर भी देखते हैं और खाना काबा का दीदार भी करते हैं। आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम, वी आर फाइनली बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है सुबह की नमाज हमने मस्जिद अल हरम में पढ़ी, और अभी जो है हमने तवाफ भी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जो है नाश्ते का टाइम हो रहा है हमारा, जो है अभी नाश्ता करेंगे, तो उसके बाद जो है मस्जिद जिन चलते हैं, वो भी आपको सारा दिखाएंगे, और खाना काबा का दिन में सारा व्यू आपको दिखाएंगे, जितने भी नज़ारे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में सूरज निकल रहा है, और यहाँ कबूतर सूरज के आगे उड़ रहे हैं, ये देखें, वाओ ज़बरदस्त। और यहाँ जो है जहाँ से जो है गंदम का दाना जो है लोग लेते हैं और इन कबूतरों को फेंकते हैं, ये देखें बहुत सारे कबूतर, ये हर जगह पहले हुए इस टाइम, सुबह सुबह के टाइम ये नीचे उतर आते हैं, और ये बिल्कुल क्लॉक टावर के सामने। और जो है शहजाद भाई मुबारक उम्रे, क्या वो कैसे लगा उम्रा करके? हाँ उसने तबीयत सेट कर दी है। 7 किलोमीटर का ये जो है दाना लोग लेते हैं पैसों का, और उन कबूतरों के लिए डालते हैं, ये देखे नीचे पड़े हुए, ये भेज रहे हैं, और अभी है हम होटल की तरफ जा रहे हैं। तेरे घर के फेरे लगातार जो है मोस्टली जो है सऊदी अरब के जो वज़ीर आज़म जैसे सदर होते हैं ना, वो जब मक्कतुल मुकर्रम में आते तो वो इस टावर में ठहरते हैं। बिल्कुल ये सामने आपको टावर नजर आ रहे हैं, और इधर से फिर उमरा हुआ तवाफ वगैरह ये लोग करते हैं। मोस्टली लोगों को ये पता होगा जो कि खाना काबा आए हुए हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायश पैदाइश की जगह जो है ये है सामने, आप देख सकते हैं ये जाय पैदाइश की जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बाद लोग करीब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर खाना काबा के लिए जो पत्थर लेके जाते थे तामीर के लिए, वो इस पहाड़ से लेके जाते थे। ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये देख सकते हैं। कितने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। जो लोग हरम शरीफ आए उन लोगों को पता होगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायज़ पैदाइश की जगह जो है ये सामने है, और वहाँ जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम मिल के खाना काबा के लिए पत्थर लेके जाए तामीर के लिए, ये वो जगह है, वो सामने जो आप पहाड़ नजर आ रहे हैं। तो फाइनली हम जो है जमजम होटल पहुँच चुके हैं, ये देखे आप, और इधर से नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं मस्जिद जिन में। या तो फाइनली जी हमारा नाश्ता शाश्ता आ चुका है, इसमें पराठा आमलेट दाल माश और हमारी चाय भी आ चुकी है साथ में ड्रिंक। नाश्ता करने के बाद हम मस्जिद जिन की तरफ चलेंगे, और आपसे मस्जिद जिन की सारा जो है मस्जिद जिन जो जिन आपने बनाई है वो आप साथ आप खुद की डिटेल शेयर करेंगे। और इस टाइम जो है मैं गजा वाला एरिया मौजूद हूँ, नॉर्मली इसको गजा वाला एरिया कहा जाता है, और इसके बिल्कुल सामने जो है मस्जिद जिन है, और ये देखें आप मेरे सामने क्लॉक टावर है, और क्लॉक टावर के सामने ये जो है इससे थोड़ा पहले ये मस्जिद जिन आपको नजर आ रही है, इधर जाके हम आपको सारा सीन दिखाएंगे। ये रब्बना ये हमलना ये रब्बना और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है हम मस्जिद जिन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं,
जाके मस्जिद जिन की हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मस्जिद जिन जो है ये क्लॉक टावर से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पे है। आप क्लॉक टावर से यूं स्ट्रेट आएंगे और ये सामने जो है मस्जिद जिन है, और मेरे सामने जो वो पुल है वो आप देख सकते हैं, सामने पुल, पुल के उस साइड जन्नतुल माला का एक हिस्सा, फिर जन्नतुल माला का पुल के दूसरी साइड दूसरा हिस्सा है। और मस्जिद जिन की पूरी हिस्ट्री जो है इस तरह एक बैनर टाइप एक बोर्ड टाइप का लगा हुआ है, उसमें सारी डिटेल में बताई गई है। ये आप देख सकते हैं अरबी में भी लिखा हुआ है और ये इसकी हिस्ट्री जो है इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और इसकी हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा कि यहाँ बहुत ज़बरदस्त जो है दीवारों पे आर्ट्स बनाया गया है, अरबी लोगों ने आर्ट टाइप की चीज़ें, रंग बिरंगी घर टाइप के बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया गया है, और आपको मैं दिखाता हूँ। आसानी के तौर पर अगर आप मस्जिद जिन की तरफ आना चाहते हैं तो ये मेरे बैक के आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अपोजिट साइड पे बिल्कुल मस्जिद जिन है, और आप इसको देख के और मस्जिद जिन की अपोजिट साइड आ सकते हैं। ये एक आसान तरीका है मस्जिद जिन को ढूंढने में। और इसके अलावा मस्जिद जिन की हिस्ट्री मैं आपको बताता चलूँ, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्नात का यहाँ से जिन्नात का जमात यहाँ से गुजर हुआ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिन्नात को दीन की दावत दीजिएगा, तो जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जिन्नात को यहाँ दावत दी गई, जिससे काफ़ी सारे जिन्नात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत हुए और दार इस्लाम में आए और मुसलमान हुए। और यहाँ जो एक और सूरत है इस कुरान की सूरत, सूरत जिन उल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफर मिन अल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआना अजबा, वो भी यहाँ नाजिल की गई है। और ये जो है हम अभी जो है हम मस्जिद जिन के अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये जो है बाहर जो है मस्जिद जिन का हिस्सा है, और ये जो है एंट्रेंस है, शुक्र है आज खुली है, नॉर्मली ये बंद होती है। और यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं, ये देख सकते हैं हम आपको नज़ारा कराते हैं, काफ़ी सारे लोग इधर इस टाइम आए हुए हैं और नवाफिल कुरान वगैरह पढ़ रहे हैं इस टाइम। तेरे दर पे आए जो दामन को भर ले जाए वो उन जालियों की शान। और मस्जिद जिन की हमने ज़ियारत कर ली है, आप लोगों ने भी वीडियो में देख लिया होगा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अभी जो है हम खाना काबा की तरफ जा रहे हैं, असर का नमाज में अभी 20 मिनट रहते हैं, असर के नमाज हम जो है मस्जिद हरम में अदा करेंगे और उसके बाद हम तवाफ़ करेंगे इंशाल्लाह, मस्जिद हरम की भी आपको खूबसूरत नज़ारे करवाते हैं। उसके बाद मस्जिद हरम से रात को हम जो है निकलेंगे और मस्जिद नबी की तरफ जाएंगे और मस्जिद नबी की आपको ज़्यारतें करवाएंगे इंशाल्लाह, और मस्जिद नबी भी आपको दिखाएँगे। मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे जमजम, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे जमजम, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं सदा शहरे मक्का में आता रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद अल हरम के बिल्कुल सामने हैं, तो शायर ने क्या खूबसूरत कहा कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मौसम भी जो है बादल आ चुके हैं, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जो है इस टाइम बादलों का साया है। तवाफ करने के बाद आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल मस्जिद हराम के बिल्कुल करीब हैं और बिल्कुल हमारे सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायर ने क्या खूबसूरत कहा कि काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा के ऊपर बादलों का साया आया हुआ है, ये चेक करें आप। अल्हम्दुलिल्लाह और अभी हम तवाफ करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूब। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी जो है हम रात के 9:30 बजे मदीना की तरफ जाएंगे, वहाँ आपको सारा सीन दिखाएंगे और उसके बाद अपने व्लॉग को एंड करेंगे। खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, गुनाहगारी में डूबा दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा दिल।